चलो क्या सीखना है, कैसे स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? हाउ टू स्टडी। बहुत से लोग, तुम लोग सोचते होगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, सब लोग टॉप कैसे करते होंगे, है ना, टॉपर कैसे बनते हैं, सोचते हो? तो उसके लिए क्या करते हो, कुछ करते हो पढ़ाई वढ़ाई, किस तरीके से करते हो? नॉर्मली टाइम टेबल बनाते हो और टाइम टेबल फॉलो करते हो बनाने के बाद? एक ही दिन बस फॉलो करते होगे, फिर भूल जाते होगे, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे हो? नहीं सोचे ना। अच्छा, पेपर के टाइम में जब पढ़ते हो, पेपर के टाइम में, तो उस समय ये अपने आप को बोलते होगे कि अब अगले साल से शुरू से पढ़ना है करके, ऐसा बोलते हो? ऐसा बोलते हो ना, बहुत सारा कोर्स हो जाता है, अब अगले साल से फिर से शुरू से पढ़ने, भैया लास्ट में नहीं रोकना, ऐसा सोचते हो? लेकिन होता क्या है, नया साल आता है, नया क्लास, फिर नया क्लास में जाते हो, नया साल चालू होता है, उसके बाद फिर से भूल जाते हो अपने आप को प्रॉमिस किए जो थे पेपर के टाइम में कि अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से शुरू से पढ़ना, उस बात को भूल जाते हो, और वापस से क्या हो जाता है, फिर आ जाता है एग्ज़ाम नए क्लास का, और फिर से प्रॉमिस करते हो, अरे बहुत सारा पढ़ने के लिए हो जाता है, अब अगले क्लास क्या करना है, शुरू से पढ़ना है, और फिर भूल जाते हो। ये सिलसिला चलते रहता है, ये साइकिल चलते रहता है, इसीलिए टॉप नहीं कर पाते, समझ रहे हो? टॉपर लोग क्या करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, डेली पढ़ाई, इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, जो अपने आप को प्रॉमिस किए होते हैं उसको क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं, जो स्कूल में या कोचिंग में जो पढ़ाई होती है उसको तुरंत जाके क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, नोट्स बनाते हैं, डेली की पढ़ाई डेली कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये बात सब लोग बोलते होंगे कि करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये बात किसी ने नहीं बोला होगा। आज जो मैं बताऊँगा उससे तुम लोग क्या होगा, पढ़ाई में मज़ा आने लग जाएगा और ऑटोमेटिक तुम बैठोगे पढ़ने के लिए और करने लग जाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पढ़ाई में मज़ा कैसे आया जाए, पढ़ाई को कैसे करें, क्योंकि हमको तो अच्छा लगता ही नहीं इसलिए हम नहीं बैठते, यही होता है ना, मज़ा आता ही नहीं, पढ़ने बैठते हैं नींद आने लग जाती है और फिर अच्छी नींद आती है ना, या तो एक दिन बढ़िया से पढ़ेंगे जोश के साथ, फिर अगले दिन से बुक वापस बंद होकर रखा जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, और इसको कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे। देखो, बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना कि ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, तो वो सब नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे, टाइम टेबल बनाने की बात नहीं करेंगे, कि टाइम टेबल बना के नहीं देंगे ऐसे पढ़ो वैसा पढ़ो, दिन में इतने घंटे पढ़ो, ये करो, कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ बात करेंगे कैसे पढ़ाई करें, पढ़ाई का सही तरीका क्या है, और इसके बाद अगर इसको फॉलो कर लोगे, आजमा लोगे ना, तो पक्का ये तुम लोगों को फ़ायदा देने ही वाला है 101%। आज मैं बताऊँगा और कल फिर पूछूँगा, इसको आजमा के देखना, अभी कल मैं पूछूँगा और बताना कि कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? इससे पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये क्या लग रहा है, क्या है ये? एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, फोकस बिंदु है, क्या है शुभम? सर्कल है, और हाँ ठीक बोले हो प्रभा, क्या है ये? फोकस बिंदु भी है, चलो एक फोकस बिंदु दिख रहा है, इसमें फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। कुछ लोग बोलेंगे कि इस टाइप का सर्कल वो आता है, इस डॉट को देखते रहो तो क्या बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा बोलते हैं, मगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन मेडिटेशन करने की बात नहीं करने वाला, इसको बनाने का कुछ मकसद है, कुछ कारण से हमने बनाया है, और इसी के बेस पे समझेंगे कि हम कहाँ हैं और हमको कहाँ होना चाहिए। आ रही बात समझ में, हम कहाँ हैं, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और कहाँ हमको होना चाहिए, ठीक है? अब ये बात बताओ सबसे पहले कि जब पढ़ने के लिए जब बैठते हो कोई भी सब्जेक्ट को चालू करते हो, तो उस समय ये मन में ख्याल आता है क्या कि इस सब्जेक्ट का ये भी करना है? जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम चालू किए और दूसरे सब्जेक्ट कहाँ लग जाएगा ख्याल कि इंग्लिश में ये चैप्टर बचा है, अकाउंट में ये भी पढ़ना है, मैथ्स में ये पढ़ना है, इंग्लिश में हिंदी में ये बचा है, सब में ऐसा ख्याल आता है, आने लग जाता है, मतलब तुम जो पढ़ रहे हो उसको छोड़ के बाकी जगह बारे सोचने लग जाते हो। अच्छा, कुछ लोग और स्पेशल होते हैं, वो लोग पढ़ाई के बारे में नहीं,
जैसे पढ़ने बैठे, आज वो मेरा दोस्त मुझे ऐसा बोल दिया, कैसे बोल दिया, ये सोचने लग जाओगे। कुछ लोग गार्डन पहुंच जाओगे, कुछ लोग मूवी पहुंच जाओगे, लेकिन जो करने बैठे हो वहाँ पे नहीं रहोगे। आई बात समझ में? ऐसा होता है ना, होता ही छह ऐसा, ऐसा बोल ही नहीं सकते, नहीं होता है, होता है, सब बोल रहे, होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो क्यों होता है कभी सोचो, क्यों होता है पता है? क्योंकि बहुत सारे तुमने प्रेशर इकट्ठा कर लिए हैं। तुम एक सब्जेक्ट का पढ़ने बैठे हो, तुम्हारे माइंड में टेंशन किसका है? दूसरे सब्जेक्ट का। तुम्हारे माइंड में टेंशन किसका है? घर का। तुम्हारे माइंड में टेंशन किस चीज़ का है? अपने दोस्तों का। तुम्हारे माइंड में क्या बात चल रही है? घूमने जाने का, घूमना, मूवी देखना, ये सब चल रहा है, चल रहा है। और घूमने जाने में, मूवी देखने में, दोस्तों बारे में बात करने में मज़ा आता है, इसीलिए वो चल रहा है। मज़ा आता है? किसको मज़ा नहीं आता घूमने में? सबको आता है, इसीलिए वो बातें चल रही है। जो अच्छा लगता है वो चीज़ें हमारे माइंड में आती रहती हैं, है ना? या तो जो बुरा लगता है वो भी आते रहती है। दो चीज़ें आती हैं माइंड में, एक तो जो चीज़ें अच्छी लगती है वो आती है, जो चीज़ें बुरी लगती है वो आती है। और वो चीज़ तुमको जो तुम कर रहे हो वो करने नहीं देती है। आई बात समझ में? जो तुम करने बैठे उस चीज़ को करने नहीं देती है। और ख़ासकर पढ़ाई को, पढ़ाई के टाइम में तुमको सब चीज़ें याद आएगी। पढ़ाई के टाइम तुम बुक खोलोगे ना, तुम हॉल में अगर मान लो कोई मेहमान आ गया, तुमको थोड़ा सा भी सुनाई दिया, तुम पढ़ाई बंद करके बाहर आ जाओगे, अरे मेहमान आए हैं। तुम ढूंढते रहोगे कैसे मैं भागूं पढ़ाई से। आ रही बात समझ में? कोई दोस्त का फ़ोन आ गया, लगे हो फिर उससे बात करने में, दो घंटा तीन घंटा हो गया, पढ़ाई करने बैठे थे भूल गए तुम, मैसेज आया बात करना चालू, पढ़ाई करना बैठे थे भूल गए। ऐसा क्यों होता है कि तुम उसे भागना चाह रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? पढ़ाई से भागना चाह रहे हो, बहाना ढूंढ रहे हो। आई बात समझ में? और कब नहीं भाग पाते? जब एग्ज़ाम आता है। जब क्या आता है? तब भागना मुश्किल हो जाता है। और उस समय क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए रहती है, और एक सब्जेक्ट लेके बैठते हो, उसका पहला चैप्टर चालू करते हो, तो दिमाग में क्या आने लग जाता है? बाकी सब्जेक्ट, उसके चैप्टर्स, उसके क्वेश्चंस कितने सारे बचे हैं, ये करना है, वो करना है, बातें आने लग जाती है। मीन्स तुम कहाँ रहते हो पता है? तुम यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, इधर रहते हो। आ रही बात समझ में? तुमको रहना कहाँ चाहिए? यहाँ। जो तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हो, ये है। आ रही बात समझ में? जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, वो क्या है? ये है। मान लो मैंने इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ना चालू किया। क्या किया? इंग्लिश का चैप्टर चालू किया, तो मेरा इंग्लिश चैप्टर ये है, चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये है, बट मेरा ध्यान कहाँ पे है? मैथ्स में। मेरा ध्यान कहाँ है? मैथ्स में। मेरा ध्यान है अकाउंट में। मेरा ध्यान कहाँ पे है? हिंदी में, और भी किसी दूसरे सब्जेक्ट में। तो इसके चक्कर में क्या होता है पता है? नींद आती है। क्या आती है? नींद। नींद कब आती है? जब बहुत सारी चीज़ें दिखती है, अरे इतनी सारी चीज़ें करनी, उससे अच्छा छोड़ो, बंद करो, और टेंशन बढ़ जाता है, उसको फिर सरेंडर कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं, ऑफिस लिए पढ़ाई नहीं हो पाती, एकदम रियल बात है ये। तो ये है प्रॉब्लम जो सबके साथ है। और जब ऐसी सिचुएशन बनती, तभी तुम प्रॉमिस करते हो अपने आप को कि अगले साल से शुरू से पढ़ना है, ऐसा कंडीशन नहीं लाना है, क्योंकि टेंशन बढ़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। इसकी बात करेंगे, प्रॉब्लम तो दिख गया, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? क्या लगता है कैसे होगा सॉल्यूशन? कैसे हो सकता है सॉल्यूशन इसका? एक ही सब्जेक्ट में फोकस करना है, ठीक है, वही तो सॉल्यूशन है, लेकिन कैसे करना है? तो पता चल गया, जब पढ़ रहे उसी में फोकस करना है, लेकिन कर ही नहीं सकते, तुम्हारे दिमाग में आएगा ही आएगा बाकी सब्जेक्ट भी। तो कैसे करें, इसी का सॉल्यूशन ढूंढना है आज हम लोग को। और इसका सॉल्यूशन है, और 101% है, और वो वर्क करता है। आज आजमा के देखोगे मैं बताने के बाद, और कल खुद आके बोलोगे हाँ सर फायदा हुआ करके। जानना चाहोगे क्या सॉल्यूशन? ठीक, तो इसके लिए जब भी पढ़ने बैठोगे ना, जब भी पढ़ने के लिए बैठो, भले तुम 15 मिनट पढ़ने बैठो, भले तुम आधे घंटे पढ़ने बैठो, भले 1 घंटे पढ़ने बैठो, जितना भी टाइम तुमको पढ़ने के लिए मिल रहा है, जितना भी टाइम पढ़ने के लिए मिल रहा है, उस समय बैठते वक्त अपने आप को क्या देना है? एक मैसेज देना है। क्या देना है? एक मैसेज देना है। क्या मैसेज दोगे? पढ़ने जैसे ही बैठे उस समय मैसेज दोगे अपने आप को, अपने माइंड को। किसको? माइंड। घूमता कौन है, भटकता कौन है? माइंड। माइंड ही है जो बाकी सब्जेक्ट का टेंशन ले रहा है, माइंड ही है जो घूमने फिरने का टेंशन ले रहा है, दोस्तों बारे में सोच रहा है, पूरे सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। तो उस माइंड को ही क्या करना है तुमको? कंट्रोल कर लेना है शुरू में ही। शुरू में क्या कर लेना है? कंट्रोल। तो बैठते समय ईमानदारी से इस चीज़ को लिख लेना जो बताऊंगा,
बैठते समय, पढ़ते बैठते समय तुमको सबसे पहले आँख बंद करना है और अपने माइंड को ये मैसेज देना है मन ही मन या बोल के, जैसा तुमको ठीक लगे, जैसा ठीक लगे ये बोलना है कि मैं अभी पढ़ने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, जो भी है, गर्ल्स हो तो बैठ रही हूँ बोलना और बॉयज बैठ रहा हूँ, और मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लेकर अभी बैठ रहा हूँ, और मैं अगले आधे घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ, आधे घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ, और मैं इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर चालू कर रहा हूँ, जो भी चैप्टर चालू कर रहे हो उसका नाम ले लेना, और इसमें मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जाऊँगा अभी या पहला पॉइंट पढ़ने जाऊँगा, और आधे घंटे मैं पढ़ूँगा, और आधे घंटे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा एक ही क्वेश्चन हो चाहे मेरे पूरे चैप्टर ख़त्म हो जाए, आ रही बात समझ में, चाहे मेरा एक ही क्वेश्चन हो पाए या नहीं भी हो पाए या पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या करना है, आधे घंटे पढ़ना है ध्यान से। अगर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान पूरा कहाँ होगा, उस प्रश्न में ही होगा, उसके आगे कौन सा प्रश्न है, उसके पीछे क्या था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके अलावा क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरा एक क्वेश्चन हो आधे घंटे में एक घंटे में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस करना है, मुझे क्या करना है, बस करना है, ध्यान से करना है, बाकी चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं। बस ये मैसेज दे दो, ये मैसेज अपने आप को दे के बैठो, मोबाइल दूर घड़ी भी नहीं देखना पढ़ते समय। अब आधे घंटे कैसे पता चलेगा बोलोगे, सर घड़ी देखने से मना कर रहे हैं, तो आधा घंटा पढ़ लिए कैसे पता चलेगा, तो मोबाइल में अलार्म लगा के रख दो साइड में आधे घंटे का। अब तुम्हारा ध्यान वो अलार्म में भी नहीं होना चाहिए कि कब बजेगा, ऐसा नहीं, आधा घंटा हो गया क्या, बज कैसे नहीं रहा, ऐसा वाला भी नहीं होना चाहिए, तो वो भी मैसेज दे दो, मैंने लगा दिया अलार्म, उससे भी मतलब नहीं, जब बजना होगा तब बजेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे क्या करना है, बस पढ़ना है, दुनिया वुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है मेरा, कोई इस चैप्टर में आगे क्वेश्चंस नहीं है, जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वही मेरा प्रश्न है बस, और जैसे ही हुआ उसके बाद जो अगला पढ़ रहे हो वही बस मेरा प्रश्न है, पीछे क्या हो गया उससे कोई मतलब नहीं, आगे क्या उससे कोई मतलब नहीं है, आ रही बात समझ में। तो ये मैसेज अपने आप को दे के बैठो तो तुम्हारा ध्यान केवल कहाँ रहेगा, जहाँ होना चाहिए वही रहेगा, आई बात समझ में, तुम्हारा ध्यान फोकट का इधर उधर नहीं भटकने वाला, क्लियर, क्योंकि तुम्हारा माइंड रेडी हो जाएगा, कौन माइंड रेडी हो गया ना उसके बाद फिर कोई रोक नहीं सकता तुमको पढ़ने से। अब इसका फायदा क्या होगा पता है, तुम देखना आधे घंटे में क्यों ऑब्जर्व करोगे, जो तुम दो घंटे में नहीं कर पाते तुम आधे घंटे में कर लिए, जो तुम दो घंटे में नहीं कर सकते थे कितने देर में कर लिए, आधे घंटे में कर डाले उतनी पढ़ाई, और उसके बाद तुमको मज़ा आने लग जाएगा, जब तुम देखोगे अरे वाह आउटपुट मिल रहा है, तुमको फ़ायदा मिल रहा है इससे, जब फ़ायदा मिलता है मज़ा आने लग जाता है तो तुम और उस चीज़ को करना चाहते हो, और उसको करते जाओगे पढ़ाई इतनी सारी होते जाएगी निपटते जाएगी तुमको पता ही नहीं चलेगा, और उसे खुश भी नहीं होना है कि अरे वाह इतना सारा कर लिया, उसे खुश नहीं होना है, जहाँ खुश हो गए वहाँ रुक गए, जहाँ खुश हो गए वहाँ पे रुक गए, खुश नहीं होना है ना सेटिस्फाई होना है, आपको आगे करते जाना है, ठीक है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक हमारा पूरा पढ़ाई अच्छे से ना हो जाए, और एक सब्जेक्ट लेके बैठे हो तो एक ही को लेके बैठो, दूसरे में ध्यान ही मत दो, टारगेट बना दो अगले 5 दिन मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसी को पढ़ना है, फिर भले अगले 5 दिन दूसरे सब्जेक्ट को लो, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट बारे में दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, इस तरीके से पढ़ाई होती है, ये होता है पढ़ने का सही तरीका। और एक बात और, पढ़ते समय मम्मी पापा को भी बोल दो मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, इस बीच मुझे कोई काम नहीं बोलना, तो वो डेफिनेटली तुमको नहीं बोलेंगे तो खुश हो जाएंगे तुमको पढ़ते हुए देखकर, पेरेंट्स तो खुश होंगे कि पढ़ने बैठ रहे करके, तो तुमको बल्कि तुम्हारा केयर करेंगे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमको पढ़ाई को करना चाहिए, यही है सॉल्यूशन। अब मैं तुमको टाइम टेबल नहीं बताने वाला कि इतने बजे से उठ जाया करो, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़े करो, ये करे करो, मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, अब वो तुम्हारे ऊपर है, सबके पास फ्री टाइम अलग अलग टाइम पे हो सकता है, तो तुम टाइम निकालो, मैं बोल रहा हूँ भले 15 मिनट बैठे हो पढ़ने के लिए, उस 15 मिनट में भी तुम बहुत पढ़ सकते हो अगर इस तरीके से अपने आप को मैसेज दे के पढ़ोगे तो। और ये आजमाया हुआ है, लगभग अभी तक हजारों स्टूडेंट में मैंने आजमा लिया है और सबको फ़ायदा मिला, सब मुझे जो करके देखता हो बताते हैं आके सर फ़ायदा मिला, और इस बात को ध्यान रखना है, भूल नहीं जाना है, हमेशा इसी तरीके से पढ़ाई करो, डेफिनेटली टॉपर टॉप करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे परसेंट आएंगे, ठीक है, क्लियर। तो क्या मैसेज दोगे अपने आपको पढ़ने से पहले, बैठने से पहले बताओ, बोल के बताओ, मोबाइल से कोई मतलब नहीं है,
बहुत बढ़िया। बचा है तो बचा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे पीछे जो बचा है, हम जो कर रहे हैं ना, वही हमारे लिए पूरी दुनिया है, हमारी वही है उस समय। बस बस यही यही बोलना है आपने आपको। यहाँ क्या तुम किया, अपने माइंड को बैठ जाओ, वेरी गुड, तालियां हो जाए भाई, बहुत सही बोली, तो पूरा ध्यान रखिए। तो अपने माइंड को क्या कर देना, पूरा फ्री कर देना है। जब माइंड को फ्री कर दिए, टेंशन फ्री कर दिए, तो माइंड रेडी है काम को करने के लिए। तो यही इसका सॉल्यूशन है। अब तुम दुनिया भर के इतने भी सॉल्यूशन ले जाओ, इस ये जो सॉल्यूशन है डेफिनेटली वर्क करता ही है। ठीक है, तो आज मैं आगे देखो, कल मुझे बताओ। आज तुम लोग कोई भी सब्जेक्ट उठा लेना तो पढ़ना, और कल मुझे आके बताना कि फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ओके।